मेरा जो टॉपिक है कंपैरिजन के बारे में, और ये टॉपिक मतलब मैंने इस जब इनका अनबॉक्स आइडिया का देखा तो मैंने कहा अच्छा, कंपैरिजन के बारे में मेरे को बहुत पहले से ही मेरे को बात करनी थी। मैंने गूगल करा, मैंने कहा अच्छा क्या करूँ मैं इस पर, मैं क्या बोलूँ क्या। गूगल करा, मुझे गूगल पे कुछ भी नहीं मिला कंपैरिजन के बारे में। सिर्फ एक चीज़ मिली कंपैरिजन के बारे में कि आई डोंट नो किसने कहा था कि कंपैरिजन इज़ द डेथ ऑफ जॉय। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये बचपन से होती है हमारे साथ। मतलब क्या है ये, मैं 4-5 लाइन में बताती हूँ कि आजकल आजकल कोई हम उम्र का भी दिख जाए तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। दूसरों की तो और बात है, यहाँ तो अपने ही घर पे अपनों से कैसे आगे बढ़ना है ये सिखाया जाता है। 2 साल के बच्चे को पन्नों में उलझा दिया जाता है और हंसने खेलने की उम्र में उस बच्चे को रट्टू तोता बना दिया जाता है। हर कोई तुम्हें दूसरों से कैसे आगे बढ़ना है उसके नए नए तरीके ला रहा है, और खुद से कैसे आगे बढ़ना है ये कोई नहीं बताता है। तो मेरा जो पूरा टॉपिक है सिर्फ इसी के बारे में है। और मैंने थोड़ा बहुत जो अपने 20 ईयर्स में जो भी जाना है और जो भी करा है, मतलब मेरी हमेशा से शिकायत रही है कंपैरिजन से। पहले मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि कंपैरिजन हमेशा मेरे साथ होता था। मैं हमें ब्राइट स्टूडेंट हूँ अपने घर पे, तो हर कोई भी कंपैरिजन करता था, अच्छा उसकी तरह बनो, वो देखो क्या कैसे करती है, देखो उसके मार्क्स कितने आते हैं, तो उसकी तरह करना चाहिए जो भी करना चाहिए। बाकी तो और बात है, मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी यही होता था कि मधु दीदी कर रही है ना उसकी तरह करो। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कंपैरिजन क्यों करते हैं हम लोग, क्या होता क्या है कंपैरिजन, एक्चुअली में क्यों करा जाता है कंपैरिजन। नहीं, आई थिंक इट्स मोर ऑफ शोशेबाजी तो है ही, इट्स मोर बिकॉज एक आपकी अंदर डिजायर होती है टू विन द दैट रैट रेस, मैं भी जीतूं, मेरा बच्चा भी जीते, कि वो तुम उसके बच्चे से अच्छे होने चाहिए, मैं उससे अच्छा होना चाहिए। ये है वो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए बच्चे का प्रयोग कर रहे हैं, वो वाली बात क्यों बिल्कुल, है? नहीं वही रैट रेस ही है ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना इंसान की, खुद संभालो। किसी बाप को अच्छी इज्जत बनानी है अपने 20 दोस्तों में, क्यों करा जाता है? हम क्यों करें? एक तो क्यों करा जाता है उसका जवाब, दूसरा कब करा जाता है कंपैरिजन। See, it goes on 24/7. जब हम खुद कोई वो नहीं कर पाते तो बच्चों से हम 24 घंटे करते हैं, अगर हम वो करते हैं तो हम 24 घंटे करते हैं, फिर हमारा माइंडसेट वैसा होता है। अगर अब मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो जब आप चले भी जाओगे तो मैं पीछे बैठा खुद कंपेयर करता रहूंगा अपने दिमाग में, वो चलता रहेगा। इनफैक्ट कंपैरिजन से दूसरों का नहीं, हम खुद का भी कंपैरिजन करते हैं। व्हेन वी सी आवरसेल्फ, ये नहीं है हमारे अंदर, वो ज्यादा बेटर है। आई थिंक एक और कि हम अपने डिजायर बता सकते हैं, बट वे जो है वो उन्हीं के ऊपर छोड़ना चाहिए। कई बार हम ये भी बोलते थे कि आपको ये ऐसे ही अचीव करना है जैसे मैंने किया, या जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा फलाना पर्सन ने किया, ऐसे ही वे में आ जाके आप इस चीज को अचीव करो। अपने डिजायर बता सकते हैं कि वी वांट यू टू बी सक्सेसफुल, बट वे आप अपना चुनो तो वो कंपैरिजन हो। बाकी सब चीज को अगर एक बार छोड़ दें, आप बस इतना बताओ आप किसी भी दो चीजों को कंपेयर कब करते हैं, कैसे कर सकते हैं आप दो चीजों को कंपेयर। पैरामीटर सेम होने चाहिए उनके, बिल्कुल एग्जैक्टली। जब कोई दो चीज किन्हीं दो चीजों में सिमिलैरिटीज हो तभी तो हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मैं अगर बोलती हूँ ना कि मुझे, मैं पोइट्री वगैरह लिखती हूँ, घर पे ये सब भी होता है कि अच्छा आप पोइट्री लिखते हो, क्या मिलेगा इससे, क्या है इससे? अरे यार मतलब, तो पता है क्या कहते हैं, इससे क्या मिलेगा, देखो मासी की लड़की है वो डेंटिस्ट है। मैंने कहा ठीक है, अभी मेरी जॉब लग जाएगी तब देख लूंगी क्या होगा। तो ये कंपैरिजन जो चीज है इसे खत्म करना चाहिए। और ये कैसे खत्म होगा कि सबसे पहले आपको अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर अपनी चीजें नहीं डालनी, सबसे पहली चीज कि वो देखो वो क्या कर रहा है, इससे बच्चा भी आपसे डिस्कनेक्ट होने लग जाता है। मैं भी अपने पेरेंट्स को, मैं इतने सारे ओपन माइक से भी गई हूँ, बहुत जगह गई हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को मैंने बताया नहीं मैं यहाँ जाती हूँ, मैं कहाँ जाना है उधर है, स्कूल का है, ये कॉलेज का है, फ्रेंड का है, मैं ये बोल के आती हूँ, मैं नहीं बता पाती उनको। एक आध बार बोला था तो यही सेम रीजन होते हैं, तो कहते हैं अच्छा वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, इससे क्या मिलेगा, उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, तो मैं नहीं बता पाती। बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट होने लगेगा, बच्चा आपसे बातें छुपाने लगेगा। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट करो, उनको
बोलो जो भी आपको लेना है, जो भी आपको करना है आप करो, आप किसी को किसी से कंपेयर मत करो। That's it.